वेलकम बैक टू अगेन टीचिंग टेम्पल। फ्रेंड्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल जानकारी दिया था, आज हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें इसकी पहचान यही होता है फ्रेंड्स कि इस टेंस में आपको कोई भी कार्य भूतकाल में जारी रहना पाया जाएगा, और कोई भी कार्य आपको जारी रहना पाया जाएगा लेकिन उसका डेट या समय आपको बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। और फ्रेंड्स, इसके इस सेंटेंस को पहचान यही होता है कि इसके अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद वाज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे तो सारा सेंटेंस हमारा बिल्कुल ईजिली बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको हम कुछ रूल बताएंगे जिसको आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ही, सी, इट और आई, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो इसमें हम वॉच का यूज करेंगे, वॉच और प्लस इसमें हम नॉट लगा देंगे क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ही, सी, इट, आई, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम वॉच का यूज करेंगे और इसमें हम नॉट लगा देंगे, और इसमें हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि इसमें हम आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि ही, सी, इट, आई के साथ वॉच का यूज करेंगे, नॉट लगा देंगे और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सर, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए यू, वी और दे, ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी इसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे और इसमें हम नॉट लगा देंगे, यही रूल इसमें भी है, यानी कि इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ओके, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, यानी यू, वी, दे, इसमें वर्ब का यूज करेंगे प्लस नॉट और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसे चलिए देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा सेंटेंस है वह काम नहीं कर रहा था। देखिए, आपको सेंटेंस में रहा था, यानी कि आपको सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा आपको मिलेगा, यानी कि कोई भी कार्य आपको भूतकाल में स्टार्ट होकर, यानी भूतकाल में आपको स्टार्ट हो जाएगा, भूतकाल में स्टार्ट होकर कंटिन्यू आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको कार्य का जारी रहने का कोई भी आपको समय नहीं दिया रहेगा। और देखिए, सेंटेंस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा ही आपको सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा सेंटेंस है वह काम नहीं कर रहा था, यानी कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर वह आ गया, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे और ही के साथ हम वाच का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, वह के लिए हम ही लगाएंगे, ही, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए वॉच का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही वॉच, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉट, ही वॉच नॉट, और फिर यहाँ पर देखिए वर्क, ओके, ये हम वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब वॉच हो गया, फिर उसके बाद हम नॉट लगा दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हो गया और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज आवर सेंटेंस, लड़के नहीं खेल रहे थे। देखिए, लड़के नहीं खेल रहे थे, यहाँ पर देखिए रहे थे, रही थी, रहे थे, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी कि यहाँ पर देखिए लड़के। सो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द, यहाँ पर हो जाएगा बॉयज, ढेर सारे लड़के हैं, यानी कि बॉयज, यस का यूज किया, द बॉयज, और यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम वर का यूज करेंगे, द बॉयज वर, और फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
प्ले मीन्स क्या होता है खेलना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हम क्या जोड़ देंगे आई एस जी जोड़ देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्लेइंग, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस, तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखेंगे यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, उसमें हम नॉट लगा देंगे, यानी निगेटिव रहेगा तो उसमें हम नॉट लगा देंगे। तो सो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हमारा होगा यू और यू के साथ हम वर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल में है। यू वर नॉट रीड मीन्स पढ़ना होता है, यानी कि इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रीडिंग, यू वर नॉट रीडिंग। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस, मैं नहीं नहा रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आ गया, मैं के साथ हम आई का यूज करेंगे और आई हम वॉच का यूज करेंगे, यानी यह आपका हो जाएगा आई वॉच नॉट बाथिंग, इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे, आई वॉज नॉट बाथिंग। मास्टर जी विज्ञान कब पढ़ा रहे थे, देखिए यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया है, तो यानी कब क्यों कैसे हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो देखिए मास्टर जी विज्ञान कब पढ़ा रहे थे, यानी कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को रखेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा वेन, वेन वॉज द टीचर, द टीचर टीचिंग साइंस। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस, मैं घर नहीं जा रहा था, मैं घर नहीं जा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा आई, आई के साथ हम वॉच का यूज करेंगे, आई वॉज नॉट, यहाँ पर हो गया आई वॉज नॉट गो मिस क्या होता है जाना, और इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे गोइंग होम, यानी कि आई वॉज नॉट गोइंग होम। नेक्स्ट इज अवर सेंटेंस, वे नदी में नहीं नहा रहे थे, देखिए नहीं नहा रहे थे ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पर हम दे का यूज करेंगे और दे हमारा क्या है प्लूरल है, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा वर, दे वर नॉट बॉथ मिस क्या होता है नहाना, इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे, यानी कि बॉथिंग, दे वे आर नॉट बॉथिंग इन द, कहाँ पर नदी में, यानी इन द रिवर। ओके ये हमारा रिवर हो जाएगा आर आई बी ई आर, दे वर नॉट बॉथिंग इन द रिवर। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल जानकारी मिल गया है कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यानी कि ही सी इट आई के साथ हम वॉच का यूज करेंगे और उसमें हम नॉट लगा देंगे, और वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें हम आई एन जी छोड़ देंगे, यू वी दे ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर्ब का यूज करेंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि हमारा अदर सेंटेंस बिल्कुल आप इजली देख चुके हैं। सो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। फ्रेंड्स अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ भी नॉलेज पाया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।